Hello, welcome to my channel Mathematics Makes Maths Easy. Today we will study class 7 chapter 11 perimeter and area exercise 11.3 all questions solved. आज हम लोग पढ़ेंगे exercise 11.3. First question देखिए क्या बोलता है. Find the circumference of the circles with the following radius. यहाँ पे हमको पाई का वैल्यू दिया हुआ है 22/7, यानी कि जब हम लोग सर्कमफेरेंस निकालेंगे तो हम लोग पाई लेंगे 22/7. ए कहता है रेडियस 14 सेंटीमीटर, बी कहता है रेडियस 28 मिलीमीटर, सी कहता है रेडियस 21 सेंटीमीटर. हमको निकालना है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. ये सब मेरा सर्कल का रेडियस दिया हुआ है. ओके, देखिए कैसे होगा. ये है एक्सरसाइज 11.3. फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 1 का ए. ये कहता है रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, देयरफॉर सर्कमफेरेंस मेरा हो जाता है 2πr. ओके, ये मेरा हो गया है 2 और पाई हो गया है 22/7, r दिया हुआ है 14, ये आ गया है 14, कट करने से मेरा आंसर आता है 88 सेंटीमीटर. नेक्स्ट दिया हुआ है b, जो कि रेडियस है मेरा 28 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस मेरा हो गया है 2πr, यानी कि 2 × 22/7 रेडियस है मेरा 28, कट करने से हो जाता है 176 सेंटीमीटर. फिर मेरा नंबर सी दिया हुआ है r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, देयरफॉर सर्कमफेरेंस मेरा हो गया है 2πr, यानी कि 2 × 22/7 × 21, ये मेरा हो गया है 132 सेंटीमीटर. ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है. ये है क्वेश्चन नंबर 2. ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स. यहाँ पे हमको दिए हुए सर्कल का एरिया निकालना है और नंबर ए में दिया हुआ है रेडियस 14 मिलीमीटर, हमको लेना है पाई का वैल्यू 22/7. नंबर बी में दिया हुआ है डायमीटर 49 मीटर और नंबर सी में दिया हुआ है रेडियस 5 सेंटीमीटर. हमको निकालना है यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कल. देखिए कैसे होगा. ये है नंबर 2 का ए. हमको दिया हुआ है रेडियस 14 मिलीमीटर. एरिया हमको पता है क्या होता है सर्कल का, पाई इंटू आर स्क्वायर. तो मेरा यहाँ पाई क्या होगा, 22/7 क्वेश्चन में दिया हुआ है और r मतलब है 14, इसलिए 14 × 14 कर लिए हैं, यानी कि ये हो गया 14 स्क्वायर. ये मेरा कट करने से आता है 616 मिलीमीटर स्क्वायर. नंबर बी देखिए, यहाँ हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में डायमीटर है मेरा 49 मीटर का. अगर डायमीटर 49 मीटर है सो रेडियस मेरा हो जाता है डायमीटर बाई 2, यानी कि 49/2. देयरफॉर एरिया मेरा हो गया है पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर मतलब पाई मतलब हो गया है 22/7, आर मतलब हो गया है 49/2. इसलिए आर को हम लोग दो बार लिख लिए हैं, 49/2 और 49/2. ये पूरा कट करने के बाद मेरा आंसर आता है 1886.50 मीटर स्क्वायर. ये मेरा हो गया है एरिया ऑफ दिस सर्कल. ये है नंबर सी. यहाँ पे दिया हुआ है हमको रेडियस 5 सेंटीमीटर का और एरिया मेरा हो गया है पाई आर स्क्वायर. पाई मतलब हो गया है 22/7, आर मतलब हो गया है 5, इसलिए ये मेरा हो जाता है 5 × 5. ये कट करने से आता है मेरे पास 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है. ये है क्वेश्चन नंबर 3. ये कहता है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट. हमको दिया हुआ है सर्कमफेरेंस एक सर्कुलर शीट का जो है 154 मीटर. हमको निकालना है रेडियस उस सर्कुलर शीट का और हमको निकालना है एरिया उस सर्कुलर शीट का. देखिए कैसे होगा. ये है क्वेश्चन नंबर 3. सर्कमफेरेंस हमको दिया हुआ है 154, यानी कि 2πr हमको दिया हुआ है 154 मीटर. तो यहाँ से हम लोग r निकाल सकते हैं, यानी कि रेडियस निकाल सकते हैं. तो यहाँ से देखिए r यानी कि रेडियस हो गया है 154 और ये 2π चल गया है नीचे. कट करने से मेरा आता है 49/2, यानी कि ये मेरा हो गया है रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि 49/2 मीटर. अब एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट क्या हो जाएगा. एरिया मेरा होता है पाई आर स्क्वायर, इसलिए हमको यहाँ पे निकल गया था r, यानी कि ये मेरा हो गया है 22/7 × 49/2 × 49/2. ये कट करने से मेरे पास आता है 1886.50 मीटर स्क्वायर. ये मेरा हो गया है एरिया. एरिया का जो होता है यूनिट वो हमेशा होता है मेरा स्क्वायर में. ठीक है, ये वाला हो गया है मेरा एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है. ये है नंबर 4.
ये कहता है ए गार्डनर वॉन्ट्स टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर, यानी कि यहाँ पे एक सर्कुलर गार्डन है और इस सर्कुलर गार्डन का ये है डायमीटर और ये है मेरा 21 मीटर का। ओके अब कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक्स टू राउंड्स ऑफ फेंस, यानी कि अगर वो जो गार्डनर है यहां से फेंस लगाना चालू करता है तो ऐसे घूम के ये जब यहां से जाके जब एक पूरा राउंड लगाएगा तब जाके यहां तक पहुंचेगा, ये मेरा हो जाता है वन राउंड। ठीक है, लेकिन यहां बोलता है हमको टू राउंड्स, यानी कि गार्डनर फिर से एक बार यहां लगाएगा और फिर से एक और सर्कुलर राउंड घूम के फिर से यहां पे जाएगा, यानी कि दो बार गार्डनर यहां पे घूम रहा है। ओके ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ इट कॉस्ट 4 रुपी पर मीटर। अब देखिए कैसे होगा, ये है नंबर 4 दिया हुआ है डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 21 मीटर। अगर ये वाला मेरा एक सर्कुलर गार्डन है तो इसका जो डायमीटर है ये वाला है मेरे पास 21 मीटर का। अगर डायमीटर 21 मीटर का है तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर गार्डन मेरा हो जाएगा 21/2 मीटर, रेडियस मेरा होता है डायमीटर बाई 2। लेंथ ऑफ द रोप मतलब हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर गार्डन, कितना लेंथ लगेगा हमको रोप का वो मेरा हो जाता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर गार्डन, यानी कि यहाँ पे हमको सर्कमफेरेंस निकालने के लिए बोल रहा है। अगर ये वाला सर्कल है तो ध्यान दीजिए ये सर्कल के पूरे बॉडी से होके ये वाला हमको फेंस लगाना है। ठीक है, तो कोई भी चीज जो सर्कल का बॉडी से होके जाएगा इस तरीके से वो मेरा हो जाएगा सर्कमफेरेंस। ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पे निकालना है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो हमको पता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मेरा 2πr, 2 हमको दिया हुआ है यहाँ पे, पाई हमको पता है, आर निकल गया है 21/2, ये कट करने से आता है 66 मीटर। ओके इसका मतलब ये जो सर्कमफेरेंस है ये सर्कल का ये मेरा है 66 मीटर का। देयरफोर लेंथ ऑफ द रोप टू मेक टू राउंड्स ऑफ फेंस, यानी कि अगर वो जो गार्डनर है वो यहां से फेंस लगाना चालू करता है तो वन राउंड में उसको लगेगा 61 मीटर का रोप। अब यहाँ पे टू राउंड्स हो रहा था, जब टू राउंड्स होगा तब ये मेरा हो जाएगा 66 × 2, यानी कि ये मेरा बन जाता है 2 × सर्कमफेरेंस, क्योंकि यहाँ पे दो राउंड हो रहा था इसलिए। ठीक है, ये मेरा हो गया है 2 × 66 यानी कि 132 मीटर। ओके अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है 1 मीटर फेंस लगाने के लिए उस गार्डनर को लग रहा है 4 रुपीज। ओके अगर 1 मीटर के लिए रखता है 4 रुपीज तो 132 मीटर के लिए लगना चाहिए 132 × 4। ओके इसलिए ये मेरा हो गया है कॉस्ट ऑफ द रोप एट द रेट ऑफ ₹4 per meter, यानी कि 1 मीटर पे मेरा ₹4, ये मेरा हो गया है 4 × 132 यानी कि ₹528। इसका मतलब ये जो गार्डनर है वो जब इस गार्डन में दो बार फेंस लगाएगा उसको कॉस्टिंग पड़ जाएगा ₹528 का। ठीक है, अब देखिए नंबर 5 क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 5, ये कहता है फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, यानी कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है हमको दो सर्कल, एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल। यहाँ पे कहता है फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ 4 सेंटीमीटर रेडियस, तो ये अगर मेरा बड़ा सर्कल है तो यहां से हमको यहां तक यानी कि बड़ा सर्कल तक मेरे पास रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये वाला है मेरा 3 सेंटीमीटर का। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, यानी कि जो शेड किया हुआ है यानी कि जो ब्लू में है उसका हमको एरिया निकालना है। देखिए कैसे होगा, ये है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखिए जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस है मेरे पास 3 सेंटीमीटर। ओके बड़ा वाला सर्कल का रेडियस को ले लिए हैं R1, छोटा वाला सर्कल का रेडियस को ले लिए हैं R2। अब यहाँ पे देखिए R1 है मेरा रेडियस ऑफ द ग्रेटर सर्कल और R2 है मेरा रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, इसलिए R1 हो गया है 4 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है R2 दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब एरिया 1 यानी कि एरिया ऑफ सर्कल 1 यानी कि जो बड़ा सर्कल है उसका एरिया हो जाता है मेरा πr², पाई यहाँ पे लिए हम लोग 3.14 और यहाँ पे इंटू 4 किए हैं
इसको सॉल्व करके मेरा आता है 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल 2 ये मेरा हो गया है पाई इंटू आर 2 का स्क्वायर, यानी कि रेडियस 2 का स्क्वायर। ये मेरा हो गया है 3.14 इंटू 9, सॉल्व करने से इसको आता है 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यानी कि देयर फोर एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट क्या होगा? एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट यानी कि ये जो शीट है शेडेड पोर्शन का, इसका मेरा एरिया बन जाएगा A1 माइनस A2, यानी कि जो बड़ा सर्कल है उसका एरिया माइनस जो छोटा सर्कल है उसका एरिया। इसलिए ये मेरा हो गया है 50.24 माइनस 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। ये है क्वेश्चन 6, ये कहता है साइमा वॉन्ट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर। साइमा के पास एक सर्कुलर टेबल है और उस सर्कुलर टेबल कवर के ऊपर में वो एक क्या करना चाहती है, वो एक लेस लगाना चाहती है ऑन द एज ऑफ द सर्कुलर टेबल। अगर ये वाला मेरा एक सर्कुलर टेबल है तो इस सर्कुलर टेबल के एज में यानी कि बॉर्डर में, यानी कि ये जो बॉर्डर है सर्कुलर टेबल का, यहाँ पे ये एक लेस लगाना चाहती है, ठीक है। और इस सर्कुलर टेबल का जो डायमीटर है वो दिया हुआ है 1.5 मीटर। बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड।